हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, बायसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर। तो हमने क्या क्या खत्म कर लिया, अल्केन खत्म हो गया, अल्किन खत्म हो गया, अल्काइन भी खत्म हो गया, और साइक्लिक कंपाउंड का जितनी वेराइटी था बायसाइक्लिक एंड स्पाइरो भी खत्म कर दी मैंने। तो अब हम पढ़ेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो पहले पता चलना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, है कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो एज पर इट्स नेम, एक ग्रुप होगा, मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, जो क्या डिसाइड करेगा, उसका फंक्शन, फंक्शनल ग्रुप, जो ग्रुप फंक्शन डिटरमाइन करेगा वो हो गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करेगा, फंक्शन डिटरमाइन करेगा, वो केमिकल कंपाउंड किस तरह फंक्शन करेगा वो डिटरमाइन करेगा, इसके लिए उसका नाम है क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप है, बहुत सारे हैं। तो हम एक एक करके सारी कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले किससे शुरू करेंगे, क्लोराइड। ठीक है, हैलाइड्स बनेंगे, अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम अल्किल हैलाइड्स के बारे में। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा, हैलाइड्स, हैलाइड्स का मतलब क्या है, हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। हैलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार ही हमारा हैलोजन। तो हैलोजन के मोस्ट स्टेबल अगर देखेंगे हम तो कौन कौन से हो गए, नॉर्मली फ्लोरीन उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि बहुत छोटा है और रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। तो कौन कौन से स्टेबल है, क्लोरीन, क्लोराइड्स हमारा, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। ठीक है, अगर क्लोरीन प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड, आयोडीन हो तो आयोडाइड। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा बता देती हूँ, क्लोरो अल्केन, क्या है, क्लोरो अल्केन। तो ये किसका वाला है, क्लोरीन अगर प्रेजेंट हो तो, क्लोरीन अगर प्रेजेंट हो उसका नाम हो गया क्या, क्लोरो अल्केन। सिमिलरली अगर ब्रोमीन प्रेजेंट हो तो ब्रोमो अल्केन, आयोडीन प्रेजेंट हो तो आयोडो अल्केन, हो गया ना, क्लोरो अल्केन। तो इसका अगर हम नॉर्मली देखेंगे इसका क्या है ना, हालो अल्केन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हालो अल्केन। तो अगर क्लोरीन प्रेजेंट हो तो क्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो, आयोडीन हो तो आयोडो। ठीक है, इस लास्ट में क्या लगेगा, अल्केन, जितनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होगी उसका नाम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हम लगा देंगे उसके हिसाब से, वर्ड रूट के हिसाब से। मतलब अगर पाँच है तो क्या हो गया, पेंट होगा, अगर अल्केन प्रेजेंट है तो अल्केन, तो हालो अल्केन। कोई भी अगर क्लोरीन हो तो क्लोरो अल्केन, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो अल्केन, इसी तरह से। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अगर हम दो कार्बन एटम ले गए तो C2H5 हो गया, यहाँ पर हम क्लोरीन लगा दिए तो क्या हो गया, C2H5, कार्बन कितना है, दो है, दो है तो क्या वर्ड रूट के हिसाब से, इट है ना, एक क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है, यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, यहाँ पे एक पोजिशन लगे हम, उसको मिनिमम पे तो डालना है ना, तो इसको वन टू कर, अगर इस तरफ से लगे लगाए तो इसको वन करेंगे, अगर इस तरफ से लगाए तो इसको वन करेंगे, नंबरिंग है कि नहीं। मैं एक सिंपल मॉलिक्यूल ले रही हूँ, क्लोरो इथेन, हो गया इसका नाम क्या, क्लोरो इथेन। समझ में आया कैसे हुआ, क्लोरो इथेन, देखो पूरी तरह से समझा देती हूँ, यहाँ पे लगा है CHHH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे क्लोरीन लग गया। समझ में आया क्या हो गया, क्लोरीन लग गया, एक H को हटा के क्लोरीन लग गया। तो इसका नाम क्या था पहले, अगर यहाँ पे H पे प्रेजेंट होता तो क्या होता, नाम इथेन होता, होता कि नहीं, इथेन होता, यहाँ पे H को हटा के क्लोरीन लग गया। तो इसको हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप, मैंने पहले नाम बता दिया क्या, क्लोरो अल्केन। तो ये क्या है, दो प्रेजेंट है कार्बन एटम्स, तो ये हो गया क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये हो गया क्या, क्लोरो इथेन, हो गया क्लोरो इथेन। अगर यहाँ पे और एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता तो तीन कार्बन हो जाता, उसका नाम क्या होता, क्लोरो प्रोपेन। अगर चार होता तो क्लोरो ब्यूटेन, अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन या आयोडीन होता उसी हिसाब से ब्रोमो होगा या आयोडो होगा। आ रहा है ना समझ में कम्प्लीटली, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा क्लोरीन एटम या ब्रोमीन एटम प्रेजेंट हो तो उसका नाम क्या होगा, ये
ये देखो एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, दोनों जगह जगह है क्लोरीन एटम, ठीक है, नहीं दोनों जगह है, तो यहाँ पे क्या करेगा, नंबरिंग तो करना पड़ेगा, इससे ज्यादा आ गया तो पोजीशन भी दिखाना पड़ेगा ना, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ है या यहाँ है, अगर यहाँ पे दो लगाओ तो दो ही तो है ना, उसका अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला देखे तो वही आएगा, मतलब पोजीशन तो बदल गया ना, तो उसको कैसे पता लगाएंगे, नंबरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 1, 2, 3, क्यों, इस दोनों को मिनिमम पोजीशन पे डालना है, अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या ये 2, 3 हो जाएगा, तो इस तरफ से जाएंगे 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या होगा, ये मैंने बताया था, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल होंगे, तो कहाँ कहाँ है, 1 पे है और एक 2 पे है कि नहीं, 1 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है, तो 1, 2, 2 है तो याद करो क्या आ जाएगा, डाई, 2 है तो डाई, तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 3 है, 3 के लिए क्या है वर्ड रूट, प्रो, तो ये क्या हो गया, 1, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, क्या हो गया, 1, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, समझ में आ गया, उसी हिसाब से हम पोजीशन जहाँ पे भी होगा उसी हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे, और लोअर पोजीशन पे डालना है, याद रखना लोअर पोजीशन में डालना है, और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ है क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो इसको क्या हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूट, अगर यहाँ से जाएंगे तो ये होगा सब्स्टिट्यूट, एक ही पोजीशन, यहाँ पे एक से एस, यहाँ पे एक से जी, कोई एक हमें मेन चेन के रूप में लेना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कहाँ, 3 है, 3 सब्स्टिट्यूट, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, 1 मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम मिनिमम पोजीशन में किसको डालेंगे, बोलो किसको डालें, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, पहले ओवरऑली मिनिमम देखेंगे, अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो किसी एक को हम मिनिमम में डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया, अगर यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबरिंग कहाँ का आ रहा है, अगर यहाँ से जाएंगे तो आ रहा है 2, 2 एंड 4, यहाँ से जाने पर आ रहा है 2, 4, 4, तो हम कौन से लेंगे, ऑब्वियसली इसको लेंगे, ये लोअर है कि नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ड देखो 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंट है, क्लोरीन कहाँ का प्रेजेंस है, 2, 2 पे, तो 2, 2 डाइक्लोरो, 2, 2 डाइक्लोरो, ये हो गया, मिथाइल भी तो प्रेजेंट है, इसको भी लिखना पड़ेगा, 2, 2 डाइक्लोरो देयर, देखो क्या है, क्लोरीन के वजह से हम पहले क्लोरीन को लिख रहे हैं फिर मिथाइल, ओके, यहाँ पे क्या है, मिथाइल कहाँ पे है, 4 पे, 2, 2 डाइक्लोरो, 4 मिथाइल, 2, 2 डाइक्लोरो, 4 मिथाइल, फिर क्या है, कितने कार्बन एटम्स है, 5 है, तो पेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन हो गया, 2, 2 डाइक्लोरो, 4 मिथाइल पेंटेन, ये वाला एग्जांपल हो गया, फिर अगर इस अल्केन के जगह पे अल्किन हो या अल्काइन हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, जो यहाँ पे अल्केन है इसके लिए हम पेंटेन लिख रहे थे, अगर अल्किन प्रेजेंट होगा उसी हिसाब से पेंटेन करेंगे या पेंटाइन करेंगे, जो भी हमारा क्या है कार्बन चेन है, जिस टाइप के हाइड्रोकार्बन है हम उसी हिसाब से वो कंपाउंड का नाम लेंगे, सब्स्टिट्यूट के रूप में डाइक्लोरीन रहेगा, फिर लास्ट में जो हम वर्ड को लेके जो चेन का नंबरिंग करते थे, नाम लिखते थे, पेंटेन हो गया, एक्साइन हो गया या कुछ भी, तो उसी हिसाब से अगर अल्किन प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से हम नाम करेंगे, एक एग्जांपल कर देते हो समझ में आ जाएगा, तो ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है, तो याद रखो सब्स्टिट्यूट जो है उसको लोअर प्रायोरिटी में रखना है, जितने आगे आगे हम जाएंगे प्रायोरिटी उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जो लोअर प्रायोरिटी है वो हमेशा सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होगा, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है, जो लोअर प्रायोरिटी होगा वो सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज होगा, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कंपाउंड की नोमेनक्लेचर देखेंगे तो सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन को, और ये वाला जो है ट्रिपल वन वो लास्ट में रहता है सफिक्स की तरह, ठीक है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, हम इसको देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से होगा, यहाँ से, क्योंकि 1, 2 यहाँ 2 पे आता है, 3, 4, 5, 6, अगर इस तरफ से जाएंगे तो 4 पे आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 पे आ रहा है ना, तो ये वाला लेंगे हम, ठीक है, तो कहाँ पे कहाँ कहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, 4 पे आता है, तो 2 है तो 4, 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 है तो 4, 4 हो जाएगा, तो यहाँ से और ट्रिपल वन कहाँ पे है, 2 पे है, तो इसका नाम क्या होगा, 4, 4 डाइक्लोरो, 4, 4 डाइक्लोरो, 4, 4 डाइक्लोरो, अब क्या करेंगे हम मेन चेन के बारे में देखेंगे, क्या है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, तो डाइक्लोरो हो गया, फिर कितने कार्बन है, 6 है, तो हेक्स हो गया,
हेक्स, ठीक है हेक्स, फिर कहाँ पे है डबल ट्रिपल बॉन्ड, दो पे हो गया हेक्स टू वाई एन ई, हो गया ये हो गया इसका नाम, फोर फोर डाइक्लोरो हेक्स टू वाई एन ई, हो गया ये हो गया उसका नाम। अगर डबल बॉन्ड हो तो ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड होता तो हम इस वाई की जगह क्या करते, ये नहीं करते। अगर दो या उससे ज्यादा होता, कर देती हूँ एक एग्जाम्पल, कर देती हूँ नंबर, ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, तो इसको किस हिसाब से नाम करेंगे, ये जो मेन चेन में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है उसी हिसाब से नाम करेंगे, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूट रह गया, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी है, ट्रिपल बॉन्ड एज यू नो। ओके तो नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे, पहले हम नंबरिंग देखेंगे, अगर ज्यादा आ रहा है, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, लेकिन नहीं पहले नंबरिंग करेंगे, करके क्या करेंगे लोअर पोर्शन पे डालना है। अगर इस तरफ से जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है एंड 5 पे आ रहा है। अगर इस तरफ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 पे आ रहा है एंड 4 पे आ रहा है कि नहीं। अब ये 2 4 आ रहे हैं, 3 5 आ रहा है, तो हम इसको लेंगे, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड लोअर पे आ रहा है डबल बॉन्ड हायर पे आ रहा है, यहाँ पे हम चूज नहीं करेंगे कि डबल को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कब चूज करेंगे, अगर यहाँ से जाने पर भी 2 पर आता, यहाँ से जाने पर भी 2 पर आता, तब हम क्या करते डबल बॉन्ड को लोअर पे डालते। अगर यहाँ से नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा आ रहे यहाँ पे कम आ रहे, ट्रिपल बॉन्ड लोअर पे आ रहे तो चलेगा, कोई बात नहीं, डाउट अपना क्लियर करते जाओ, ठीक है। और यहाँ से ये मत सोचना है कि डबल बॉन्ड को लोअर पे डालना है तो 3 5 ले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से जाने पर भी 2 4, यहाँ से जाने पर भी 2 4 आता तो हम डबल बॉन्ड को लोअर पे डालते, समझ रहे हो ना, ये वाला याद रखो। तो यहाँ पे नाम क्या होगा, हम कौन से वाले लेंगे, यहाँ से जाएंगे है कि नहीं, तो ये क्लोरीन कहाँ पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, और एक कहाँ पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं पहले 5 7 5 7 डाइक्लोरो, हो गया दो क्लोरीन आइटम है ना, तो 5 7 डाइक्लोरो। फिर नाम क्या होगा, कार्बन आइटम कितने हैं, 7 है, तो 7 के लिए क्या है, हेप्ट, 7 के लिए क्या है, हेप्ट, पहले किसको रखना है डबल बॉन्ड को, ये पहले आता है ना, डबल बॉन्ड को पहले रखना है, तो हेप्ट के बाद क्या आ रहा है, ये डबल बॉन्ड रखेंगे कहाँ पे है, डबल बॉन्ड 4 पे, हेप्ट 4 ई एन, देन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 वाई एन ई, ये वाला याद है ना, यहाँ पे ई नहीं लिखना है क्योंकि वाई है पास में, वाई है पास में, वावेस एंड वाई अगर पास पास में आ गया तो पिछला वाला मिटा देना है, याद है ना, तो यहाँ पे ही नहीं लिखना है, तो ये हो गया इसका नाम 5 7 डाइक्लोरो हेप्ट 4 EN 7 YN, हो गया नाम, तो हमने हाइलाइट्स वाला खत्म कर दिया, समझ लो यहाँ से ही क्लोरीन है तो डाइक्लोरो लिख रहे हैं, यार क्लोरो लिख रहे हैं, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट हो तो उसी तरह होगा, सिर्फ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो जाएगा, आई हो तो आयरो हो जाएगा, ओके एक ही टाइप का है, समझ में आ गया, तो इसको नेक्स्ट में हम जाते हैं अब। तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में, नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या क्या है, एक NO2 वाला ग्रुप जुड़ा होगा, एक NO वाला जुड़ा होगा, अगर NO2 है तो उसका नाम हो गया क्या, नाइट्रो अल्केन, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, अगर NO है नाइट्रोसो, क्या हो गया नाइट्रोसो, ठीक है नाइट्रोसो अल्केन, समझ में आया, क्या होगा NO2 अगर प्रेजेंट है तो नाइट्रो अल्केन, अगर NO प्रेजेंट है तो नाइट्रोसो अल्केन, ठीक है, वो ये दोनों भी सब्स्टिट्यूट के रूप में ही यूज होंगे, क्या होंगे सब्स्टिट्यूट के रूप में, मतलब पहले हम जो प्रीफेस में लगाते थे, जैसे क्लोरीन में लगाया है, अगर क्लोरीन होता तो पीछे लगा देंगे हम प्रीफिक्स के तरह, तो इसको भी हम लगाएंगे प्रीफिक्स के तरह, तो इसका एग्जांपल अगर कर देंगे तो ये देखो, अगर दो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे लगा है, मतलब अगर NO2, अगर ये कंपाउंड हम ले रहे हैं तो ये कहाँ पे लगा है, इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, लोअर पे भी तो डालना है, इसको 1 करेंगे, इसको 2, तो 1 पोजीशन पे लगा है NO2, हम लिख सकते हैं क्या, नाइट्रो इथेन, यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ पे NO2 लगा है तो 1 करेंगे, यहाँ पे लगा है तो भी 1 करेंगे, तो ये 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, ठीक है, अगर इथेन है तो यहाँ जहाँ से भी लगा होगा उसी हिसाब से हमारा क्या होगा,
नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से लगाओ तो वन होगा, यहाँ से लगाओ तो वन होगा, तो एक लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, पर लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि हम क्या करेंगे, कर रहे हैं, जो भी पिछला वाला पढ़ चुके हैं उसको भी यूज करते हुए जा रहे हैं, है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगी, हमेशा सिंपल कंपाउंड्स बता दिए, फिर पिछले वाला जितने भी रूल्स पढ़े होंगे उसको यूज करके हम एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते जाएंगे। तो क्या होगा ना, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये अब क्या करेंगे, दो कार्बन वाला कर लिए, थोड़ी बड़ा वाला कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, सी सी सी, पांच हो गया कार्बन। यहाँ पे एक NO2 लगा दिए, यहाँ पे एक NO2 लगा दिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, थ्री, यहाँ पे H, यहाँ पे टू, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 हो गया। तो नाइट्रो कहाँ कहाँ पे लगा, यहाँ पे अगर यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से जाने पर भी 1 2 3 4 5 वही आ रहा है, 2 1 4 पे आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी अगर जाएंगे तो 2 4, यहाँ से जाने पर भी 2 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो वाला दो ग्रुप है, तो क्या होगा इसका नाम, 2 4 डाई नाइट्रो हो गया, 2 4 डाई नाइट्रो, 2 4 डाइनाइट्रो हो गया। अब क्या करेंगे, मेन चेन के नाम करेंगे, है कि नहीं। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 है, 5 के लिए क्या है, पेंट, 5 के लिए क्या है, बॉन्ड रूट, पेंट हो गया, अल्केन ही तो है, पेंटेन लिख दो, ठीक है, क्या हो गया नाम इसका, 2 4 डाइनाइट्रोपेंटेन। ओके, अगर इस NO2 के जगह NO लगा होगा, अगर NO2 की जगह NO होता तो क्या हम करते, 2 4 डाई, NO के लिए क्या है नाम, नाइट्रोसो, नाइन नाइट्रोसो, क्या हो गया, पेंटेन, समझ में आ रहा है, एक ही बार में लेके जा रही हूँ नाइट्रो एंड नाइट्रोसो को, हो गया। तो यहाँ पे अगर NO2 होगा तो हम करेंगे 2 4 डाइनाइट्रोपेंटेन, अगर NO होगा तो करेंगे 2 4 डाइनाइट्रोसोपेंटेन, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे ये वाला एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे क्या है, दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है कि नहीं, डबल बॉन्ड्स दो प्रेजेंट है, तो ये वाला मत ले जाना, ये वाला लेके इसको सब्स्टिट्यूट मत बना देना, ये एक चेन ले गए, ये होगा मेन चेन हमारा, है कि नहीं, ये होगा हमारा मेन चेन, और ये हो गया क्या सब्स्टिट्यूट, ये दोनों क्या है हमारा सब्स्टिट्यूट, समझ में आ रहा है ना। फिर देखो नंबरिंग करेंगे, अगर यहाँ से जाएंगे तो ये भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, यहाँ से जाएंगे तो भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो हम देखेंगे कहाँ पे मिनिमम पोजीशन आ रहा है, ये वाला नाइट्रो कहाँ से मिनिमम आ रहा है, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6, कहाँ कहाँ आ रहा है, एक दो पे आ रहा है, एक चार पे आ रहा है, अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 3 पे आ गया, यहाँ पे 4 5 पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 5 पे आ जाएगा, तो हम कौन सा लेंगे, 2 4, मतलब ये वाला लेंगे, यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, देखो कितनी कार्बन आइटम्स है, 6 है, तो हेक्स के हिसाब से होगा, पहले हम क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, पहले हम क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ पहले, 2 and 4, तो 2 4 कौन से ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, 2 4 डाइनाइट्रो, 2 4 डाइनाइट्रो, देन कितने कार्बन आइटम्स है, 6 है, तो हेक्स इसके लिए हेक्स हो गया, दो प्रेजेंट है, याद करो दो अगर हो तो क्या करते हैं हम, ए लगा देते हैं, तो ये हो गया क्या हेक्सा, ए अल्फाबेट लगाते हैं ना अगर दो आ गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप दो है, कौन सा वाला, अल्किन, डबल बॉन्ड दो प्रेजेंट है, तो इसको क्या करेंगे, क्या पोजीशन लिखना पड़ेगा, 1 पे 1 है 5 पे 1 है, 1 5 डाइन, क्या हो गया 1 5 डाइन, तो इसका नाम क्या है, 2 4 डाइनाइट्रो, हेक्सा 1 5 डाइन, अगर NO2 की जगह अगर NO होता तो क्या कर देते, यहाँ पे नाइट्रो की जगह नाइट्रोसो लिख देते, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में, अगर डबल ट्रिपल मिल के आता तो उसी हिसाब से हम नाम करते, जैसे हम मैंने बता चुकी हूँ वो वाला, सिर्फ सब्स्टिट्यूट को लिखना है पहले, हो गया। तो सब्स्टिट्यूट के रूप में जो जो फंक्शनल ग्रुप यूज होता था वो वाला खत्म कर दूँ, काफी खत्म कर दिया, अगर कुछ छोटा छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। अब हम जाएंगे और जो 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 फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के रूप में यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप है क्या, ये है अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप OH, हो गया, क्या है अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप है OH, तो जिस कंपाउंड में OH प्रेजेंट होगा तो किस तरह बिहेव करेगा,
अल्कोहल की जितनी प्रॉपर्टी से ओ बनेगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुपोल है ना, तो अगर OH प्रेजेंट होगा तो एक टाइप के फंक्शन दिखाएंगे, उसका नाम क्या है, अल्कोहल, उसको अगर OH प्रेजेंट है तो वो क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल, ठीक है, तो उसका नाम कैसे होगा, तो अल्कोहल समझ लो प्रीफिक्स नहीं सफिक्स की तरह यूज होगा, क्या सफिक्स, तो सफिक्स होगा क्या OL, इसका सफिक्स क्या होता OL, ठीक है, इसका सफिक्स होगा क्या OL, तो किस तरह लिखेंगे, अगर कॉमनली हम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे अल्कानॉल, अल्कानॉल, अल्कानॉल कैसे हो गया, ये अल्कानॉल बना कैसे, देखो भाई अल्केन होता था हमारा, अगर देखोगे तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, एक ही नहीं चार हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मिटा लो OH लगा लो, अल्केन से कन्वर्ट हुआ अल्कोहल, यहाँ पे एच था तो अल्केन था, OH लगा तो अल्कोहल हो गया, अल्केन से कन्वर्ट हुआ अल्कोहल, तो अल्केन होता फिर ऑल लगता, अल्कोहल के लिए क्या है OL सफिक्स है तो ऑल लगता, पर ई एंड ओ तो पास पास रहेंगे नहीं, क्या करेंगे पिछला वाला मिटा देंगे, तो क्या हो गया ये मिट गया, तो नाम क्या हो गया अल्कानॉल, अल्कानॉल, समझ में आया, तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ये एग्जांपल देखो क्या है नाम हमारा अल्कानॉल, तो कार्बन एटम्स कितने हैं दो है, दो के लिए वर्ड रूट क्या है ईथे, OH कहाँ पे लगा है, अगर यहाँ पे हो तो वन टू यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से होता तो इस यहाँ से करते, तो वन लगाए या ना लगाए कोई बात नहीं, दो ही कार्बन एटम से, तो इसका नाम क्या हो गया इथेन होता ना, अगर ये अल्कोहल ना होता तो इथेन होता, अल्कोहल लग गया तो OH लगाएंगे तो इथानॉल, ई वाला मिटा दिए, समझ में आ रहा है ना, इथानॉल, इसका नाम क्या हो गया इथेनॉल, अगर एक कार्बन एटम होता उससे लगता, अगर ये OH वाला उससे जुड़ा हुआ होता तो उसका नाम क्या होता, एक कार्बन एटम से मिथ होता था तो मिथानॉल, अगर तीन है तो प्रोपानॉल, अगर चार है तो ब्यूटानॉल, इसी हिसाब से, समझ में आ रहा है, पर हमें मेंशन करना पड़ेगा अगर तीन से ज्यादा OL आ गया, OL मतलब अल्कोहल ग्रुप अगर आ गया तो हमें क्या करेगा, उसका पोजिशन मेंटेन करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, लोअर पोजिशन पे डालेंगे फिर लिखेंगे उसका पोजिशन क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल कर लेती हूँ, क्या करेंगे एग्जाम्पल, पांच अगर ले आए, कितने कार्बन लगा दिए, पांच लगा दिए, यहाँ पे अगर OH है, यहाँ पे क्या है OH, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेती हूँ, CH2 हो गया ये CH3, तो यहाँ से अगर जाएंगे तो 3 पे आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से जाने पर भी वही आएगा, तो हम जो कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 पे, तो इसका नाम क्या है, कितने कार्बन एटम्स है, पेंट, पांच है तो पेंट हो गया, पेंटेन, पेंटेन लिखते ना, अगर सिर्फ अल्केन होता तो पेंटेन लिखते, अल्कोहल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, 3 पे है, पेंटान, 3 OL, देखो नाम कैसे हो रहा है, अगर ये ना होता, अगर अल्केन होता तो पेंटेन होता है कि नहीं, पर तीन नंबर पे क्या लग गया OH मतलब OL, तो पेंटान 3 OL, इस O के वजह से यहाँ से E हट गया, बार बार बोल रहे हो ये कैसे हुआ, पेंटान 3 OL, समझ में आया है कि नहीं, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट है, अल्कोहल ग्रुप रिप्रेजेंट है, तो हम दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, तो अल्केन होता तो हम लिखते थे अल्कानॉल, अगर अल्कीन है तो अल्कीनॉल होगा, वेरी सिंपल, अल्केन था इसके लिए अल्केन एंड ऑल मिला देते थे, अल्कानॉल होता था, है कि नहीं, अगर अल्कीन प्रेजेंट है तो अल्कीन देन ऑल अल्कीनॉल, समझ में आया, पर पोजिशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पांच कार्बन एटम है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से जाने पर 2 पे आता था, यहाँ से अगर जाते तो 3 पे आता, तो हम ये वाला लेंगे, समझ में आया, फिर नाम क्या होगा, कितने कार्बन एटम से, पांच, पेंट हो गया, पेंट, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे, मतलब 2 IN, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में ओ आ रहा है कि नहीं, इन 2 EN, देन ये कहाँ है, 3 पे है अल्कोहल ग्रुप, 3 OL, ये हो गया उसका नाम, फिर अगर इसके और हम क्या लिख सकते हैं, 2 pentanol, 2 pentan 3 OL, ये भी लिख सकते हैं, 2 pentanol, ओके, ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ओके, तो ये वाला समझ में आया अल्कोहल का,
ठीक है, सिंपल सिंपल बता रही हूँ, धीरे धीरे हम और कॉम्प्लिकेटेड के रूप में जाएंगे। अल्कोहल का खत्म हो गया, अगर अल्कोहल में क्या होता था, OH। एक बात बता देती हूँ, देखो अल्कोहल एंड इथर की कनेक्शन में बता रही हूँ, देखो वाटर है HOH, एक हाइड्रोजन मिटा के अगर यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप लग गया तो ये क्या हो गया ROH, मतलब अल्कोहल, है कि नहीं। अगर ये वाला H भी मिट के अगर R लग गया तो इसको बोलेंगे हम इथर, क्या बोलेंगे इथर, ठीक है। तो रिलेट कर करके जाती हूँ, ठीक है, एक टाइप के कंपाउंड खत्म करके फिर दूसरी टाइप में जाएंगे, हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया इथर, अगर क्या हो गया वाटर से एक एच मिटा के कोई अल्किल ग्रुप लगा दिया तो ये हो गया अल्कोहल, दोनों हाइड्रोजन हटा गया अगर दो अल्किल लगा दिए तो ये हो गया क्या इथर। तो इथर ये कंपाउंड होता कैसे है, देखो अगर अल्किल ग्रुप सीएसपी लगा है, ये इथर पढ़ रहे हैं, ये अल्कोहल नहीं, अल्कोहल वाला खत्म हो गया, इथर पढ़ रहे हैं सीएसपी, बीच में क्या लगेगा ओ, बाद में यहाँ से सीएसपी हो गया। तो इसका नाम कैसे होगा, इसका नोमेनक्लेचर होता है अल्कोक्सिल, क्या है अल्कोक्सी अल्केन, ये होता है इसका नाम, क्या है अल्कोक्सी अल्केन। तो अल्कोक्सी किसको बोलेंगे, अल्केन किसको बोलेंगे, क्योंकि यहां से भी एक अल्केन ग्रुप है, यहां से भी अल्केन ग्रुप है कि नहीं। तो अल्कोक्सी किसको लेंगे, अल्केन किसको लेंगे, ये वाला भी कंफ्यूजन होगा। तो समझ लो छोटा सा वाला ग्रुप जो है उसको लेंगे क्या अल्कोक्सी, जो बड़ा वाला ग्रुप है उसको लेंगे अल्केन, समझ में। अगर यहाँ से एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, यहाँ से दो वाला है, तो छोटा वाला जो है मतलब एक वाला को लेंगे क्या अल्कोक्सी, जो बड़ा वाला होगा मतलब दो को लेंगे क्या अल्केन। एग्जांपल कर लेते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, दोनों तो सेम है तो कोई भी ले लो चलेगा, क्या हो गया मिथोक्सी मिथेन, मिथोक्सी मिथेन, समझ में आ रहा है मिथोक्सी मिथेन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा अल्कोक्सी अल्केन, दोनों ही सेम टाइप की है, कोई बड़ा छोटा नहीं है तो कोई भी ले लो चलेगा, मिथोक्सी मिथेन। अगर इसके जगह CH3 ओ C2H5 होता, अगर CH3 ओ C2H5, ये वाला इथर कंपाउंड का नाम क्या होता, छोटा वाला क्या करेंगे अल्कोक्सी, बड़ा वाला को अल्केन, छोटा था कौन है, ये है छोटा, ये है बड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो मिथोक्सी मिथोक्सी इथेन, क्या हो गया ये मिथोक्सी इथेन, समझ में आ रहा है ना मिथोक्सी इथेन, समझ में आया। तो हमने क्या क्या खत्म किया, अल्कोहल इथर खत्म, चार टाइप की मैं बता चुकी हूँ, चार टाइप भी खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड किसको बोलेंगे, कीटोन किसको बोलेंगे, ये वाला देखते हैं। अगर ये इस क्रम में होगा R C डबल बंड O H, एक तरफ अल्किल ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन अगर है तो इसको बोलेंगे हम क्या एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ अल्किल ग्रुप है, अगर दोनों तरफ क्या है अल्किल ग्रुप है, मिनिमम एक कार्बन एटम चाहिए, अल्किल ग्रुप के मतलब मिनिमम एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड में चाहे एक तरफ का हाइड्रोजन हो या दो तरफ हाइड्रोजन हो कोई बात नहीं, अगर एक भी जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है सीओ के पास, कार्बोनिल ग्रुप के पास अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा क्या एल्डिहाइड, पर दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप आ गया तो हो गया क्या कीटोन। तो नाम कैसे करेंगे, एल्डिहाइड में क्या होता है सफिक्स AL, इसका लिए क्या होता है ONA, देख लो यहाँ से ही पता चल रहा है एल्डिहाइड कहाँ से शुरू होता है AL, तो इसके लिए इसके लास्ट में लगेगा क्या सफिक्स AL, यहाँ कीटोन में क्या होता है खत्म होता है ONA से, तो इसमें लास्ट में लगेगा ONA। रिलेट करो कंपाउंड के नाम के हिसाब से इसके नोमेनक्लेचर को रिलेट करके जाओ तो इजी होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड से आ गया AL, कीटोन से आ गया ONE, ओन, ओके। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये हो गया क्या अल्कनाल, अल्कनाल। अल्कोहल में क्या करते हैं, अल्कोहल ऑल से खत्म होता था इसके लिए ऑल लगाते थे, एल्डिहाइड में क्या करें खत्म AL से, देख लो अल्केन होता एक अल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन को मिटा के हम ये वाला ग्रुप लगा देते हैं तो अल्केन होता, अल्केन में लास्ट में क्या लगता AL, ई को मिटा दो, ई या ने तो पास में रहेंगे नहीं, तो क्या हो गया ये अल्कनाल हो गया। फिर कीटोन में क्या होता,
अल्केन में एक ये ग्रुप लगता, अल्केन में कि नहीं, तो अल्केन देन ओएनए होता, ई एंड ओ पास में नहीं रहेंगे, क्या हो गया अल्कानोल, अल्कानोल, समझ में आ रहा है, अल्कानाल ये हो गया क्या अल्कानोल, रिलेट करके पढ़ा रही हूँ, एक ही टाइप के कंपाउंड एक ही बार में ले रही हूँ ताकि आप डिफरेंस जान सको और नाम याद रख सको, ठीक है। अल्डिहाइड एंड कीटोन की नोमेनक्लेचर आप देखेंगे, एग्जाम्पल करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसको क्या बोलेंगे हम अल्डिहाइड, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है मिनिमम, एक साइड पे हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो इसको अल्डिहाइड बोलते हैं, पर यहाँ पे क्या है दोनों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा, हम क्या करेंगे कार्बन एटम्स देखेंगे, कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, एक ही है, एक ही कार्बन है, इसी डबल बॉन्ड में जो कार्बन है ये तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, एक कार्बन एटम है, तो एक के लिए क्या होता है मिथ, मिथ होता था मिथेन, मिथेन में क्या लगेगा एल लगाएगा, ये अल्डिहाइड हो रहा है ना, तो मिथानाल, अल्कानाल बोलते थे ना अल्कानाल, उसी तरह मिथानाल हो गया, अगर दो कार्बन होता मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर ऐसा है तो क्या है इसका नाम C, यहाँ पे एक C यहाँ पे एक C, कितना हो गया दो हो गया, दो के लिए क्या वर्ड रूट इथ, दो के लिए क्या इथ, तो ये इसका नाम क्या हो गया इथानाल, अल्कानाल इथानाल, समझ में आ रहा है ना, डिलीट करके बढ़ा रही हूँ, फिर अगर तीन आ जाए तो क्या हो जाएगा प्रोपानाल, चार आ जाए ब्यूटानाल, पांच आ जाए पेंटानाल, पर यहाँ पे एक बात याद रखो, जहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत होगी, कहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत होगी, अगर डबल बंड आ गया कार्बन चेन में या कोई सब्स्टिट्यूट रख गया तो उसको नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग हमेशा इस कार्बन एटम से करेंगे, क्योंकि लास्ट में है ना, एंड में है, एक एंड में है, और हमेशा हम क्या करेंगे जो सिर्फ सफिक्स में आ रहा है उसको हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और जो लास्ट में आ रहा है, लास्ट मतलब प्रीफिक्स में जो आ रहा है उसको कम प्रायोरिटी में रखेंगे, उसी हिसाब से नंबरिंग करना है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सी है सी डबल बॉन्ड OH, तो इसको हमेशा लोअर पे डालना है, तो वहां से तो नहीं आ सकते, यहाँ से ही जाना पड़ेगा, तो जिस एंड में ये जो अल्डिहाइड के ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी एंड से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 करके जाएंगे, एग्जाम्पल कर लेते हैं, मतलब अगर CH3 CH2, यहाँ पे सी पे क्लोरीन आ गया सी डबल बॉन्ड OH, तो नंबरिंग यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 हो गया, जो भी ग्रुप हो यहाँ पे, जो भी हो, जो भी ग्रुप मतलब अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया या डबल बॉन्ड आ गया तो उसके कंपैरेटिवली हमें इसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ओके वहां से नहीं आना है, यहाँ से ही जाना है, जहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट होगा वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो हो गया नंबरिंग, तो ये सब्स्टिट्यूट कहाँ पे आ गया दो पे, तो इसका नाम हो गया क्या दो टू क्लोरो, टू क्लोरो हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया चार कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, इसको मिलाना है बोलना नहीं, इसको मिलाना है, तो चार कार्बन एटम है, तो क्या हो गया ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल हो गया, यहाँ पे ये भी लिख लेना कि ब्यूटेन ए एंड स्पेस 1 AL, यहाँ लिखेंगे चलेगा, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, वन पे ही हमेशा रहेगा, तो 1 AL लिखना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो अल्केन वाला हमने खत्म कर लिया, अगर यहाँ पे डबल बंड वगैरह होगा तो यहाँ से ब्यूटेन की जगह ब्यूटीन लिखेंगे, अगर ट्रिपल बंड होगा तो क्या लिखेंगे ब्यूटाइन, उसके हिसाब से लास्ट में सिर्फ AL लगाना है, एक ही टाइप की है, फिर वो बता दूँ, ठीक है बता देती हूँ, देखो ये वाला एक एग्जांपल है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, मैंने जैसे बताया यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया नंबरिंग इसका, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बंड है जैसे बताया थे, क्या होगा अल्कानाल जो होता तो अल्कीनाल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट को पहले लिख लेते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है दो पे, मिटा दो, फिर क्या है कहाँ पे है 1 AL, ये लिख सकते हैं
एकीटोन वाला पढ़ेंगे। कीटोन में क्या बोला था, दोनों तरफ जिसमें आपको चालकी रूपक होने की जरूरत है, मिनिमम एक कार्बन होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक कार्बन वाला ग्रुप लग गया, यहाँ पे एक कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3। हमें बीच में से नंबरिंग नहीं कर सकते, तो एक ही एंड से जाना पड़ेगा। तो जैसे एल्डिहाइड में क्या करते, वो एंड पे होता था, इसके लिए यहाँ से 1 से शुरू करते थे, लेकिन यहाँ से 1 नहीं कर सकते हम, कोई भी ऐसे तरफ से जाएंगे जहाँ पे ये जो CO ग्रुप है वो मिनिमम पे आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे पोजिशन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, 1, 2, 3, तो आ गया क्या, प्रो है कि नहीं, प्रो। तो इसका नाम क्या होता था, बताया था क्या, अल्कानोन। तो अल्कानोन अगर है, इसका नाम क्या है, प्रोपान, 2 पे है, हो गया 2.2, देन ओन। कीटोन के लिए लास्ट में क्या लिखेंगे, ओ एन, हो गया। तो अगर कोई डबल बंड आ गया, कोई डबल बंड, पहले सब्स्टिट्यूट वाला कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो CH3CH, जहाँ पे CL लग गया, ठीक है, फिर यहाँ से डबल बंड हो CH3, ऐसे अगर है तो यहाँ से कर नहीं करना है, इसको पहले लोनोवेयर पे डालना है। तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, हो गया। तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे आ रहा है, 3 पे, पहले सब्स्टिट्यूट को लिखना पड़ेगा। तो 3 क्लोरो हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है। तो 4 के लिए क्या है, म्यूट। 2 पे क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कहाँ पे, 2 पे, तो ब्यूटान 2ONe, हो गया ब्यूटान 2ONe। अगर यहाँ से क्या होता, अगर कोई डबल बंड या ट्रिपल बंड आ गया, तो उसका नाम कैसे करेंगे, CH3 डबल बंड, यहाँ पे अगर CL है तो CH, ये हो गया CO, यहाँ पे CH2, यहाँ पे अगर कोई ट्रिपल बंड लगा दिया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते ना, ओके ये कर लेते हैं, फिर डबल डबल बंड लगा देते हैं, सिंपल से जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ। तो यहाँ से अगर जाएंगे, 1, 2, 3, 4 पे आता है, 1, 2, 3, 4 पे आता है, एक ही है, यहाँ से अगर जाएंगे 4 पे, यहाँ से जाने पर भी 4 पे, तो फिर क्या देखेंगे, डबल बंड को देखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं, 2 पे, यहाँ से जाने पर आ रहा है 1 पे, तो हम कौन सा लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 1 पे आ गया, यहाँ पे 5 पे आ रहा है, अगर यहाँ से जाते तो कहाँ पे आता, 2 and 6 पे आ जाता, तो ये वाला हम लेंगे 1 and 5, ठीक है। पहले कीटोन को देखेंगे, अगर कीटोन दोनों तरफ से सेम है, फिर क्या डबल है, ट्रिपल बंड है, उसको देखेंगे, अगर वो नहीं है तो सब्स्टिट्यूट को देखेंगे, ठीक है। नंबरिंग उसी हिसाब से करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरीन ग्रुप कहाँ पे आया, 6 पे, तो ये हो गया क्या, 6 क्लोरो, 6 पोजिशन पे क्लोरीन है, तो 6 क्लोरो। फिर नाम क्या होगा, कितने कार्बन आइटम्स है, 7 है, तो मतलब बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डबल बंड, यहाँ पे एक डबल बंड, 2 आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ए लगाएंगे। फिर कौन कौन से पोजीशन में है, 1 and 5 पे, डबल बंड कहाँ कहाँ पे है, 1 and 5 पे, 1, 5 डाइन हो जाएगा, क्या डाइन, पर लास्ट में ई तो लगा नहीं सकते, क्योंकि बाद में हमारा ओ आ जाएगा, कीटोन है ना, कीटोन प्रेजेंट है, ओ आ जाएगा, इसके लिए डाइन, देन कहाँ पे है, 4ONe, यहाँ पे ई नहीं लगाना है, यहाँ से ओ है ना, ई नहीं लगाना, तो ये हो गया इसका नाम, समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है